चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि हम आपको बताएंगे कैसे आपको गैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है, जो कि सबसे पहला स्टेप होगा। कोई भी अगर आपको पीएचपी की वेबसाइट बनानी है और आपको होस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको लोकल सिस्टम पे वो पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाना होगा, फिर आप उसको अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जैम सर्वर को डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आप सिंपल सा क्या करना है, आपको जो है जैम सर्वर को जो है डाउनलोड करना है। इस तरह से आपको जैम सर्वर को एक सेटअप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेना है। आप देख रहे हैं ये कह रहा है कुछ, आपसे कह रहा है कुछ मैसेज टाइप का यहाँ पे आ रहा है। ओके अगर करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये नेक्स्ट करने के लिए कह रहा है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में सारी चीजें यहाँ पे, आपको पर्ल नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे फेक सेंड ईमेल है, अगर आपको ये हटाना है तो हटा सकते हैं। वर्करी मेल सर्वर भी आप हटा सकते हैं। तो जो बेसिक हमें रिक्वायरमेंट है फाइल दिला एफटीपी सर्वर, चलिए यहाँ पे हम छोड़ देते हैं क्योंकि आगे अगर हमें एफटीपी वगैरह क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये आपको बता रहा है किस फोल्डर में जाके ये आपका इंस्टॉल होगा, तो सी ड्राइव के अंदर ये रैम नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर अगेन नेक्स्ट आप करेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ आपका ये पेज इस तरह से ओपन होकर आ गया। फिर आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इंस्टॉलेशन आपका ये स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली ये जो आपका पार्ट है, ये आपका सेटअप आपको कर दिया, आपने बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर उसके बाद जो है आपका ये पर्टिकुलर जो जैम सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैम सर्वर इंस्टॉल होने के बाद हम चेक करेंगे प्रॉपरली कि ये आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है और आपका कोई भी एरर वगैरह नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम एक बेसिक यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे और एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और कैसे अपने जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको वर्क करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपके कुछ फाइल्स हैं जो कि वो अनपैकिंग वगैरह कर रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है। बेसिकली ये आपका MySQL, PHP और पर्ल तो हमने हटा दिया है, तो वो यहाँ से उसको नहीं इंस्टॉल करेगा। ठीक है, और बेसिकली देखिए यहाँ पे हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है क्या कि हमें पहले से कुछ HTML और CSS वगैरह, अगर आपको आता है तो बेटर है, नहीं आता है तो साथ में ही हम लोग HTML और CSS भी देखते हुए चलेंगे। ये HTML के कौन से टैग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही एकदम बेसिक लेवल से मैं ले स्टार्ट करूंगा प्रोजेक्ट, कि अगर किसी ने कभी भी कोई भी एक सिंपल सा वेब पेज भी अगर नहीं क्रिएट किया है, तो वो भी आपका जो है PHP HTML CSS का यूज करके वो ये सीख सकता है। ठीक है, आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे, बट वहाँ पे क्या है कि कुछ प्रीरिक्विजिट को लेके चलते हैं, कि जहाँ पे वो ये मांग के चलते हैं कि हमें पहले से ये लैंग्वेज HTML है या ये आपका CSS है, ये सारी चीजें हमको आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मान देता हूँ कि आपको अगर HTML भी नहीं आती है, तो साथ में मैं आपको HTML की भी नॉलेज देते हुए चलूंगा, और किस टैग को हम यहाँ पे किस लिए यूज कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉलेशन चल रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप सी ड्राइव के अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ये रैम नाम का फोल्डर आपका ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सारे आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये क्या क्या चीजें इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका है। तो जैसे यहाँ पे देखिए अपाचे आपका सर्वर है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है, इसकी फाइल आ चुकी है। फिर आपका देखिए यहाँ पे MySQL का यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके आ चुके हैं। ठीक है, और अब जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जहाँ पे हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है, मैं थोड़ा सा फोल्डर को साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक HT Docs नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, बेसिकली यही हमारा जो है जो प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे, ठीक है, यहीं पे हमारा वो पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसमें वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपके लिए चेक कर लीजिए, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है वैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि एस टी डॉक के अंदर हमारा क्या फोल्डर है। तो देखिए यहाँ पे एस टी डॉक जब आपने ओपन किया, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी बन के यहाँ मिल रही है। ठीक है, इंडेक्स फाइल भी है, तो यहाँ पे आपको कुछ डिलीट नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप सपोज थोड़ा पहला प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, और इस फोल्डर का नाम मैंने कह दिया रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑनलाइन RPG का। ठीक है, बहुत बड़ा नाम नहीं देते, ऑनलाइन आरईजी। आप चाहें तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट में मैंने R कैपिटल लिखा हुआ है, तो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। ठीक
है, यहाँ पे मैं इसको मैं स्मॉल में कर रहा हूँ, तो आप स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में जैसा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका ये फोल्डर होगा जहाँ पे आप अपनी सारी फाइल, वो सारी फाइल्स आप यहीं पे जाकर क्या करेंगे, आप सेव करेंगे, ठीक है। अभी ये ब्लैंक फोल्डर देखिए, यहाँ पे कोई भी मैंने जो है आपका कोई भी यहाँ पे सिंपली मैंने देखा ब्लैंक फोल्डर, यहाँ कुछ भी फाइल अभी नहीं बनी हुई, ठीक है। आपका इंस्टॉलेशन भी देखिए बैकग्राउंड में चल रहा है और फिनिश होने वाला है जल्दी। तो पहला तो काम ये है कि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर हो चुका है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। दूसरा जो हमने अभी देखिए क्या किया, अभी हमने सिंपली, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमने सिंपली यहाँ पे सी ड्राइव में हम गए थे और सी ड्राइव में जैम फोल्डर हमने यहाँ पे ओपन किया था। जैम के अंदर मैंने यहाँ पे देखिए एक एच टी डॉक्स नाम का आपको फोल्डर दिख रहा होगा, इसको हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने एक ऑनलाइन आर ई जी यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नाम से यहाँ पे देखिए एक फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये एम टी प्रोजेक्ट एम टी फोल्डर है और यहीं पे हम अपना सारा प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई थिंक इंस्टॉलेशन हमारा ये फिनिश होने वाला है ना, तो जैसे ही ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट होगा हम एक सर्वर की टेस्टिंग करेंगे कि क्या हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं, और अगर नहीं चल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आई थिंक ये हमारा इंस्टॉलेशन बस फिनिश होने वाला है, और चलिए तब तक हम लोग क्या करते हैं यहीं पे ही एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आपका सामने क्वेश्चन ये आएगा कि हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट हमारा किस मतलब किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम बनाए, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्टिंग में एक सिंपल सा नोटपैड मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ताकि नोटपैड तो देखिए सबके पास बाय डिफॉल्ट होता है ना। तो आगे चल के हम लोग वीएस कोड पे आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं वीएस कोड को ओपन करता हूँ तो कई सारे जो नए एकदम बिगनर्स होते हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। बट वीएस कोड मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी कोडिंग करने से आप बच जाएंगे, आपको बहुत सारा वो प्री डिफाइंड आपको पहले से ही वो कोड करके दे देता है, तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन चलिए मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको नोट पैड से ही पूरा आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन भी हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ एक नोट पैड ओपन कर लेते हैं। और टाइम ले रहा है, इंस्टॉलेशन बस फिनिश हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन बस फिनिश ही हो रहा है, तो हम इस पर फिनिश होने का वेट करते हैं, और इसके लिए फाइनलाइज हो रहा है तब हम लोग अपना फिर फाइल क्रिएट कर। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, डू वांट टू स्टार्ट अ कंट्रोल पैनल नाउ। तो अगर आप इसको अभी फिनिश करते हैं तो ये कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट इसको मैं बताऊंगा कि कैसे अगर फ्यूचर में, जैसे आपने सपोज की फर्स्ट आपने अभी तो ये आपका ओपन कर दे रहा है, ठीक है, बट अगर ये ओपन नहीं है तो आपको कैसे ओपन करना है सर्वर, कैसे चलाना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा HTTP सर्वर, और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको देखिए अगर ये आपका लोकल होस्ट चल रहा होगा तो देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट ये नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें अपने सर्वर को चलाना है, यहाँ पे पहले हमने किया, अभी इसका मतलब सर्वर हमारा नहीं चल रहा है। ये हमारा जो है तो पर्टिकुलर जैम सर्वर है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, और उस जैम सर्वर को हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा वो सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है।
ये आपका अभी भी मेरे ख्याल से नहीं चल रहा है, तो हम एक बार फिर से चेक करें। तो अब हमें कैसे सर्वर को स्टार्ट करें? जबकि हम सी लाइन में जाएंगे, एग्जाम फोल्डर के अंदर हम वापस से आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जाम कंट्रोल नाम से ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने देखिए क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे आपका ये एग्जाम कंट्रोल आ गया, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है अपाचे माइस्केल। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ये दोनों सर्विसेज को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हमारा जो पोर्ट नंबर है वो इस पोर्ट नंबर पे अपाचे चल चुका है, पोर्ट नंबर हमारा 80 है, और जो हमारा माई स्केल है वो हमारा 3306 पे चल रहा है। तो अब इस पर्टिकुलर सर्वर को स्टार्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है? ये सर्वर का आपका कंट्रोल पैनल है, ये आपके सी ड्राइव के अंदर एग्जाम फोल्डर के अंदर ही है, ठीक है? तो अब हम वापस से चेक करते हैं कि क्या हमारा लोकल होस्ट, देखिए अब ये हमारा जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये हमारा लोकल होस्ट चल चुका है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे देखिए पीएचपी माय एडमिन पे अगर हम जैसे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको जो वो कंट्रोल है, ठीक है, यहीं से हम अपना जो है डेटा बेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सेटअप करने का, कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो रैम सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली, और जो हमने यहाँ पे अभी एक प्रोजेक्ट का जो फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नाम से, देखिए ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है हम बनाने के फेज में आ चुके हैं। तो अगर आप वीएस कोड को यूज करना चाहते हैं तो बेटर है वीएस कोड आप ओपन कर लीजिए, ठीक है? और अगर आप नोट पैड को करना चाहते हैं तो नोट पैड से कर लीजिए, बेटर है कि आप वीएस कोड से ही शुरू करें। तो चलिए मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। ये वीएस कोड को करने से फायदा क्या होगा कि आपको वो एक्सटेंशन और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी बच जाएंगी, है ना? स्टार्टिंग के लिए नोट पैड भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है वीएस कोड ओपन कर लिया है, और वीएस कोड में जाके अब हमें क्या करना है, हमें एक अपना प्रोजेक्ट का सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल ऑप्शन पे और हम ओपन करेंगे फोल्डर। तो फोल्डर आपको याद होगा कि हमने किस जगह बनाया हुआ था, तो हम सी ड्राइव में आएंगे, सी ड्राइव के अंदर हमने रैम नाम का फोल्डर यहाँ पे सेलेक्ट किया था, और रैम के अंदर हम एस टी डॉक्स में गए थे, और हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला नाम का यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया था। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक बेनिफिट देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, कि अब आपने यहाँ पे जो फोल्डर क्रिएट किया था, अब जो भी आप फाइल बनाएंगे वो वीएस कोड के थ्रू यहीं पे आपको बन के मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? इसका हम नाम जो रखेंगे वो रखेंगे इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है? ये ऑप्शन आ रहा है, अरे भैया कोई बात नहीं, तो हम बच लेते हैं इंडेक्स डॉट। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी नाम की फाइल हमने क्रिएट कर दी है, कुछ मैं तो भी कर देता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स डॉट पी एच पी है ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इस इंडेक्स डॉट पी एच पी में हमें चेक करना है कि क्या हमारी फाइल बन चुकी है और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पीएचपी का एक कोड लिखना चाहता हूँ। तो अगर हम चाहें तो पीएचपी का कोड लिखें, नहीं तो हम सिंपली यहाँ पे कुछ भी सिंपल सा एक मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा। अच्छा क्या कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, देखिए कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे अभी कुछ एरर यहाँ पे इसको दिख रही है, इसको भी हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं कि सर्वर पे ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है? तो पहले हम सर्वर चेक करते हैं। तो सर्वर पे चलाने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद हमें अपने उस प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम लिखना है, तो हमने जो फोल्डर का नाम बनाया था ऑनलाइन आर ई जी, और इसको हम एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये ऑनलाइन आर ई जी नाम से यहाँ पे ये आया हुआ है,
और ये कुछ एरर दे रहा है, ठीक है। तो एरर जो मिल रहा है बेसिकली हम उस एरर को तो यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सपोज कीजिए एच टी एम एल का पेज यहाँ पे ऐसा बना लिया, ठीक है, और यहीं पे हम पी एच पी का भी सिंटेक्स और यहीं पे ही हमने लिख दिया। लिखते हैं इको लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या किया, हमने सिंपल सामने एक एचटीएमएल पेज बनाया और इस पेज में हमने क्या किया, इको एक मैसेज के साथ एक हेलो, ठीक है। डायरेक्ट हम पीएचपी के अंदर एचटीएमएल अगर हम यूज कर रहे थे तो वो हमें एक एरर जनरेट कर रहा था। तो अब हमें सपोज करो अगर H1 टैग लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक H1 टैग ऐसे लगा सकते हो आप, फिर डायरेक्टली वहां पर देखो आपको एरर जनरेट करके दे रहा था, ये आप इस तरह से करो, ठीक है। तो अब देखिए इस पेज को अब हमको ओपन करना है, नहीं हमें चेक करना है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये आपको है जो यहाँ पे मिल के आ रहा है। अब आपको ध्यान से देखिए कि क्या मैंने किया, बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नाम से जो फोल्डर बनाया था इसी में मैंने देखिए इंडेक्स डॉट पी एच पी नाम की फाइल क्रिएट की है। और सर्वर पे कैसे इसको रन किया है, सर्वर पे रन करने के लिए देखिए जो आपका यूआरएल होगा वो आपको क्या लिखना होगा, लोकल होस्ट स्लैश और उसके बाद देखिए जो फोल्डर का आपका नेम है, ठीक है। तो फोल्डर का नेम आपको ध्यान देखिए मैंने ऑनलाइन REG नाम से बनाया था, तो यहाँ पे हमने इसको लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन REG नाम से क्रिएट किया है। तो ये आपका तरीका है कि कैसे आप अपना जो है जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब हम आगे चल के धीरे धीरे पीएचपी को सीखेंगे कि कैसे पीएचपी पे हम लोग वर्क कर सकते हैं और पीएचपी के स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर हम अपना जो है प्रोजेक्ट को बनाएंगे और उसको हम डिप्लॉय भी करेंगे सर्वर पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पीएचपी का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे और एचटीएमएल से कैसे उसको हमको डेटा फेच करना है, ये सारी चीजें हमको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने आगे आगे जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट करें।